डाककर्मी ने किया जिले के साथ भारत का नाम रोशन। कहते हैं जब कुछ कर गुजरने की चाह मन में हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। शायद यही वजह है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद भी संजय राय ने खेल में रुचि दिखाते हुए काम से समय निकालकर प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आज उसी का नतीजा था कि गोल्ड मेडल पाकर सभी का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल मिलने के बाद गोरखपुर आए संजय राय ने सबसे पहले अपने सीनियर अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह पोस्टमास्टर जनरल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और पोस्टमास्टर जनरल ने संजय राय का माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। एप्रोबेट यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका ओपन नेशनल इंडिया में हो रहा था वहां पर यूपी को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद 66 केजी भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। किसी ने सच ही कहा है, अगर दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई मुकाम पाना मुश्किल नहीं होता है। और शायद यही वजह है कि आज संजय राय ने अपनी मेहनत की बदौलत वो मकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए हर कोई तरसता है। लेकिन संजय ने वो मकाम हासिल कर हर किसी का मान बढ़ा दिया है और अपने ज़िले के साथ देश का भी नाम रोशन किया है। हम यूपी स्टेट से, यूपी स्टेट की जो ग्रेपलिंग टीम बनी थी, ग्रेपलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ग्रेपलिंग इज अ पार्ट ऑफ रेसलिंग, अप्रूव्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड फिला, ठीक है सर। और इसका जो ओपन नेशनल हो रहा था इंडिया में, वो उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, कंडक्ट कर रही थी हरियाणा ग्रेपलिंग एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजर था ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI। वहाँ पे हमने यूपी को रिप्रेजेंट किया और 66 केजी अपने भार वर्ग में हमने अपने जो भी हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको हरा के हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और सफलता के आधार पे मतलब फेडरेशन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि आपका चयन साउथ एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप जो दिल्ली में अक्टूबर में आयोजित होने वाली है, उसकी अभी कोई तिथि तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना हमें सूचना दिया गया है। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, गोरखपुर पोस्टल डिवीजन में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपकी इस जो आपने उपलब्धियाँ गिनाई है, जी, जो आपने हासिल किया है, जी इसमें विभाग का कितना आपको योगदान मिलता जी है? बिल्कुल विभाग का योगदान नहीं होता तो ये गेम आज मैं जहाँ भी हूँ यहाँ नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं से विभाग का हमारे